अस्सलाम वालेकुम MZS व्यूअर्स, आज आपको दिखाते हैं किंगडम वैली की लेटेस्ट डेवलपमेंट। आप लोगों का एतराज़ था, बजा एतराज़ था कि किंगडम वैली की डेवलपमेंट स्लो हो चुकी है, लेकिन अब किंगडम वैली की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि उसकी डेवलपमेंट को तेज़ किया जाएगा। और अब सिर्फ ग्रीनरी के ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा, कारपेटिंग के ऊपर और खूबसूरती के साथ साथ चीज़ों को मज़ीद कंक्रीट किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किंगडम वैली फ़ेज़ टू के अंदर भी एक कारपेटिंग का काम भी शुरू हो चुका है, ये आपको लेटेस्ट कारपेटिंग नज़र भी आ रही है। प्लांटेशन का काम इससे पहले अगस्त सितंबर में जब प्लांटेशन का दौर था उस वक्त किया गया, और इसके साथ साथ यहाँ पे खूबसूरती बढ़ाने के लिए मीनार पाकिस्तान, उसके बाद मज़ार कायद, उसके बाद ज़ियारत में जो कायद आज़म की रेजिडेंस है वो, और उसके अलावा KPK से खैबर पास है, ये लाहौर का भी मीनार पाकिस्तान तो आप देख चुके हैं, तो ये सारे रेप्लिकास तैयार किए जाएंगे। मोनूमेंट का नाम दिया गया इनको किंगडम वैली मोनूमेंट, और इसके साथ इसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाएंगे। तो टाइम लगता है डेवलपमेंट होने में, और डेवलपमेंट के साथ साथ अगर चीज़ें निखर के सामने आना शुरू हो जाएँ तो जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है उन्हें भी खुशी होती है, और जो नए क्लाइंट होते हैं उनको भी ये देख के अच्छा लगता है कि जिस जगह वो इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं वहाँ पर तरक्याती काम जो है वो लगा हुआ है। तो ये एतराज़ कि किंगडम वैली में सिर्फ क्रिकेट के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और जो किंगडम वैली के अंदर डेवलपमेंट है उसको शायद इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, तो अब वो एतराज़ दूर हो जाएगा और लोग देखेंगे कि किंगडम वैली के अंदर बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट है वो उनको होती हुई नज़र आएगी। असल में जिस वक्त ये कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा फाइलें बिकी हैं तो क्या इतना ज़्यादा एरिया है, तो फर्स्ट जो फेज़ होता है उसमें वो सोसाइटी की मैनेजमेंट है वो लैंड एक्वायर करने पर ज़्यादा फोकस्ड होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन एक्वायर की जाए, तो वो आप देख रहे हैं कि इनके पास ठीक ठाक लैंड जो है वो मौजूद है, और ये बड़ी अच्छी लैंड है। इसमें कोई कटिंग फिलिंग वाला कोई इतना ज़्यादा सीन नहीं है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनको टाइम ज़्यादा लगेगा बाद में डेवलपमेंट करते हुए, लेकिन साथ साथ इन्होंने अर्थवर्क कंप्लीट किया और उसके बाद पार्क्स का काम किया, प्लांटेशन का काम किया, और अब ये तेज़ी के साथ बढ़ते हुए चीज़ों को मज़ीद बेहतर शक्ल के अंदर लेके आ रहे हैं। ये इनकी डेवलपमेंट का मुँह बोलता सबूत है जो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, और ये आप क्या ना कि किंगडम वैली के अंदर डेवलपमेंट का काम अब स्लो है, तो ये एतराज़ अब दूर हो जाएगा इंशाल्लाह, और वक्त के साथ आप देखेंगे कि डेवलपमेंट और ज़्यादा स्पीडी होगी और यहाँ पर आपको सोसाइटी निखर के सामने आती हुई नज़र आना शुरू हो जाएगी। प्लांटेशन के साथ साथ आप कंक्रीट वर्क भी आप देखेंगे, और किंगडम वैली में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट पर आपका एतमाद मज़ीद मज़बूत हो जाएगा। कमेंट्स के ज़रिए आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि किंगडम वैली के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है इसको आप कैसा देख रहे हैं, और इसके अंदर मज़ीद क्या आप बेहतरी की गुंजाइश समझ रहे हैं कि जिससे मज़ीद काम की स्पीड तो चलो अपने साथ साथ चलती रहेगी लेकिन जिसमें आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो। तो आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर लैंड जो है वो ग्रे की जा चुकी है, लेवलिंग का काम भी हो रहा है, और बहुत जल्द अभी इससे अगले मराहल जिसमें प्लॉट्स की कटिंग आ जाएगी और गलियों की कटिंग और सीवरेज का काम वो भी हो रहा है, तो इससे उम्मीद तो है कि बहुत जल्द किंगडम वैली अपने आप को डेवलप करते हुए आपकी तवक्कात पर पूरा उतरेगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है, और बड़े एरिए के अंदर डेवलपमेंट करते हुए जो टाइम फ्रेम है फिर वो भी बढ़ जाता है। तो ये एक एतराज़ था किंगडम वैली के ऊपर जो उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह दूर हो जाएगा, और आप किंगडम वैली के अंदर ये डेवलपमेंट अच्छी लगेगी। कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें, अपना ख्याल रखें, दुआ में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।